हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है आज तारीख है 8 अगस्त 2022। ठीक, तो यहाँ पर जो 88 पोर्टल है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको एडवांस में प्रोवाइड कर दी है, कल ही मैंने डाल दी थी। तो एनर्जी आपको पता है, 88 पोर्टल के बारे में आपको पता है। आज सुबह में आपने डेफिनेटली मैनिफेस्ट किया होगा कुछ ना कुछ, और आज जो नहीं कर पाए हैं सुबह वो रात में भी कर सकते हैं 8:08 पर। मोस्ट प्रोबेबली सुबह, दोपहर, शाम कभी भी करिए, भगवान के लिए कुछ वो नहीं है। आप जब भी यूनिवर्स को याद करेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के दिन में। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आज के दिन में क्या एनर्जीज हैं? पहला ही कार्ड आ गया नंबर 8, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है सेलिब्रेशन। किसी तरह की गुड न्यूज़ इनको मिली है, किसी तरह का 88 पोर्टल इनके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आया है, या यहाँ पर कह सकते हैं या तो इनके फाइनेंशियल लाइफ में कुछ इनको ब्लेसिंग्स मिली है, या तो इनकी पर्सनल लाइफ का कोई बड़ा इशू रिजॉल्व हुआ है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग। क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की? बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं 88 पोर्टल। आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। रिबल की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, इनर वॉइस, वी हैव टू ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी है, द क्रिएटर, सेपरेशन, अबंडेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, साइन यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फिर हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, देन वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सभी साइन हैं यहाँ पर। क्लियरली नज़र आ रहा है कि कलेक्टिव लेवल पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर आज के दिन में कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग आपके साथ रीयूनियन में हैं, तो अगर आपके साथ रीयूनियन में हैं तो कहीं घूमने जा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर रीयूनियन में नहीं हैं तो रीयूनियन होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में मर्जिंग की एनर्जी है, सोल मर्जिंग की एनर्जी है। 3D में भी आपके यूनियन आपको दिखेगा और 5D में आपकी सोल मर्जिंग की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त कुछ लोगों के पास्ट लाइफ कर्मास उभर कर आएंगे। आप में से कई लोगों के पार्टनर काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं, उनके लाइफ में अब वो अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुड न्यूज़ उनके लाइफ में आनी शुरू होंगी। उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद की एनर्जी है ये। उनके लाइफ में रिजल्ट मिलने की एनर्जी है कि तुम पास हो गए। जो पास हो गए उनके लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने वाले हैं, जो अभी इंटर किए हैं इस फेज़ में, यहाँ पर उनके लाइफ में बर्डन नज़र आ रहा है। सेलिब्रेशन के साथ साथ कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में बर्डन है, धोखा है, चीट है, स्नेक की एनर्जी है। इनको इनके अपनों से, इनके अपने ही इनको डसेंगे, इस तरह की एनर्जी है। मतलब इनके खिलाफ़ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, इनके खिलाफ़ कोई साजिश हो सकती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट, ट्रिगर मिल सकता है। तो कुछ लोगों की अवेकनिंग अभी शुरू होने वाली है, और कुछ लोग अवेकन हो चुके हैं और वो अब रीयूनियन को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रेबल की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है, देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों ही तरफ, और यहाँ बीच में है द क्रिएटर। ये अपनी लाइफ में वो क्रिएट करेंगे या करेंगी जो ये चाहते थे या चाहती थी, जो ये चाहेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगा। काफ़ी मैस्कुलिन्स का ईगो सेल्फ
पूरी तरह से हट चुका है, उनके लाइफ से रिलीज़ हो चुका है। और कुछ लोगों के लाइफ में ईगो सेल्फ अभी जागृत होगा, इनको ऐसा लगेगा कि मैं ही मैं हूँ और मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे इनका ईगो सेल्फ बढ़ेगा, वैसे वैसे इनको टॉक्सिक सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। आप में से कई लोगों के पार्टनर जो अवेकन हो चुके हैं, वो आपकी तरफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो इस जर्नी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उनकी इनर वॉइस उनको आपकी तरफ पुश कर रही है, उनको आपकी तरफ भेज रही है, उनको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि उनको क्या एक्शन लेना है, किस तरफ जाना है, कैसे उनको आगे स्टेप लेना है, कैसे उनको अपने कर्मास को हील करना है, क्लिंस करना है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, तो बहुत सारे लोगों का सॉर्ट आउट हो सकता है। पेरेंट्स मान सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। अब मैं देखूंगी आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके पार्टनर्स के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं कलेक्टिवली। फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, सेकंड कार्ड है एंग्जाइटी। क्यों है इतनी एंग्जाइटी? एक्शन लेने के पहले की एंग्जाइटी है। ओके, द टेंपल पाथ। और क्या चल रहा है, क्या मिस कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर्स, क्या आपको आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या याद आती है आपकी आपके पार्टनर्स को। एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू वैल्यू एंड विक्ट्री। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस क्यों आया है? डोर टू वैल्यू एंड यिन एंड यांग एंड जर्नी। वाओ, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि एंजल ऑफ बैलेंस को क्लैरिफाई किया है थ्रोट चक्रा ने। मतलब आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको लेकर ये जान रहे हैं कि अगर आपसे, अच्छा एक कार्ड और आया है हॉस्टेलिटीज़, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में रहे हो, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज था, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, फिर भी आपने जिस तरह से रिलेशनशिप को बैलेंस किया है, जिस तरह से आपने रिलेशनशिप को सपोर्ट किया है, जिस तरह से आप इस जर्नी में आगे बढ़ते गए हो बिना किसी होप के, कि मतलब आपको पता है कि आप ब्लॉक हो, आपको पता है कि वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, वो पता है आपको कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो, शादी कर लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का ट्रिगर आपने झेला है, लेकिन उसके बाद भी आप इस जर्नी में बढ़ते रहे हो एक बैलेंस्ड वे में। आपको एक उम्मीद थी या है कि आप आगे बढ़ रहे हो और आपको भगवान आपको आपके एम, आपके टारगेट तक पहुंचाएगा, आपका रीयूनियन डेफिनेटली कराएगा। और यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जर्नी से रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोग डिवाइन जर्नी से रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोग एक टारगेट लेकर आए हैं, उनके लाइफ का एक पर्पज़ है कि उनको इस लाइफ में आना है, उनको इस लाइफ में ये फेस करना है, उसके बाद उनको रीयूनाइट होना है और साथ में मिलकर कुछ करना है बड़ा। यहाँ पर डोर टू रोमांस की एनर्जी है। तो मिस तो आपको बहुत करते हैं, देखिए पहला ही कार्ड अटैचमेंट का आया है, तो आपके पर्सन आपको याद बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं, एंग्जाइटी बहुत है, इनको टेंशन बहुत है किसी चीज़ की। और यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, मतलब कि ये एक्शन लेने चाहते हैं बट टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। इनको पता है कि ये राइट पाथ पे जा रहे हैं और एक ना एक दिन सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो ये 88 पोर्टल फाइनेंशियल सिचुएशंस में काफ़ी हैप्पीनेस और अबंडेंस लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है। साथ ही विक्ट्री का कार्ड है, तो यहाँ पर सक्सेस आप में से बहुत सारे लोगों को मिलेगी। यिन एंड यांग, जर्नी एंड डोर टू रोमांस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो चुका है, हो रहा है, होने वाला है। बहुत सारे लोग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ अगर एक्शन नहीं ले रहे थे या कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, तो अब कम्युनिकेशन भी होगा और एक्शन भी होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ यहाँ पर आया है नंबर जो मैं आपको बता दूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों की एज या आपके पार्टनर की एज हो सकती है 18, 12, कुछ लोग बहुत कम एज के हैं, कुछ लोग यहाँ पर 22, 18, 23, 26, उसके बाद 33 है, 28 है, 31 है, 39 है, 48 है। तो हो सकता है इस एज ग्रुप तक के लोग, 31 है, इस एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं। मतलब हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं जो या तो सेपरेशन में हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट में हैं, या तो किसी ट्रबल को फेस कर रहे हैं।
तो बिल्कुल खुश रहिए, आप जिस जर्नी में जा रहे हैं आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्हें भी जर्नी का एहसास है, हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, आपकी तरफ, आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, शादी को लेकर कोई स्ट्रेस है यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड वी हैव नंबर 6, सक्सेस की एनर्जी है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 6, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। नंबर 5 एंड नंबर 4, 6-6 की एनर्जी है, तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को 369, 6996 या 696 या 969 इस तरह के एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। 414 दिख सकता है, 144 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 211 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 202, 222 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 515 की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जो आपको इस समय बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। 444 भी आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। बाकी उसके बाद एक्शन क्या होगा वो एंजल्स आपको गाइड करेंगे, क्योंकि सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हैं गाइस। वी हैव चैरियट, वी हैव बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस आएगा। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत समय से अटके पड़े हैं किसी सिचुएशन में बट निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव बैलेंस क्रिएट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, इनके लाइफ में इनकी जो नेगेटिव लेयर्स हैं वो रिलीज़ होंगी, इनके जो भी गलत कर्म हैं उसका फल इनको मिलेगा अच्छे से, और ये मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हो रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है, कैसा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किस बात का स्ट्रेस है, न्यू बिगनिंग का स्ट्रेस है, ट्रुथ का स्ट्रेस है, ब्रेकअप का स्ट्रेस है, बात करने का स्ट्रेस है और यूनियन का स्ट्रेस है। होपफुल रहिए, सब चीज़ का स्ट्रेस है इनको। अथॉरिटी क्यों आया है, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी क्यों आई है, हाई प्रीस्टेस, ये अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पर क्लियरली एक्शन ओरिएंटेड है आपके पर्सन, अपने दिल की सुनेंगे, दिमाग की नहीं, दिल की सुनेंगे, आत्मा की सुनेंगे, सोल की सुनेंगे और वो एक्शन लेंगे जो इनको लेना है। सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 6, आने वाला 6 घंटा और कुछ लोगों के लिए 6 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में, फर्स्ट कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, सेकेंड कार्ड है हमारे पास फॉरगिवनेस, देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव, देन वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली, देयर समथिंग बेटर, जो होगा आपके लाइफ में अच्छे के लिए होगा। फॉरगिवनेस सीखिए, अगर आपके कोई पास्ट लाइफ कार्मिक्स हैं या किसी ने आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, तो रिलीज़ कीजिए। अगर फ़ोन मैसेज आ रहा है तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे और उन्हें भी कोई डाउट ना रहे। अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और पॉजिटिव रहें, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें। तो ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।